नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। इधर 2019 के लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल उतनी ही बढ़ती जा रही है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक की गई जिसमें अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि 15 दिसंबर से संपर्क यात्रा शुरू की जाएगी। 15 दिसंबर के बाद हम संपर्क यात्रा करेंगे, उसमें विधानसभा वाइज 6-6 टोली बना करके डोर टू डोर जाएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों से, राज्य सरकार की उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएंगे और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जहां तक हमारा कार्यकर्ता न पहुंचे, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम तैयार किया गया है। और भी कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है जिसको बाद में ज़मीन पर उतारा जाएगा। स्वाभाविक है, हम सियासी पार्टी हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अनवरत संगठन विस्तार का काम, संगठन के मजबूती का काम, जनसंपर्क का कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से चलाती रहती है, लेकिन जब 2 लाख लोकसभा का चुनाव सामने है तो स्वाभाविक है उसको और तीव्र गति देने का प्रयास है। और हमारा प्रयास है कि जनवरी और फरवरी ये 2 महीना में और फिर दिसंबर में जो शेष समय बचा है, इस समय तक हमारे कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंच करके उन्हें सरकार की उपलब्धियों से अवगत करा सकें।